साथियों, आज की वीडियो में बात होगी जब कई बार आप सोकर उठते हैं और आपकी गर्दन पीछे नहीं मुड़ पाती है या उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, इसके आयुर्वेदिक और देसी उपचार क्या है, उपचार के साथ सावधानियां और एक्सरसाइज ताकि आपको दर्द ये जीवन भर कभी ना होने पाए। आइए, नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई बार सर्दियों में जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी गर्दन अचानक कुछ अकड़ी हुई नज़र आती है, पीछे आप मुड़ के नहीं देख पाते हैं या इस टाइप से बाजू में नहीं देख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसके उपचार क्या है, इस ऐसे कौन से एक्सरसाइज हैं जो आप करें लगातार तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, कहीं आप स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार तो नहीं हैं। पहला कारण इसका, गर्दन आपकी जो अकड़ जाया करती है सर्दियों में, पहला कारण होता है गहरी नींद। यदि अत्यधिक गहरी नींद आ जाए और आपको ये होश ना रहे कि आपकी गर्दन तकिया के नीचे है या ऊपर है, और कई बार असमतल बिस्तर हो, बिस्तर ऊपर नीचे हो, मतलब ठीक ना हो, और तकिया कई बार बहुत बड़ा रख लेने पर, जैसे आप पता चला कहीं शादियों में गए हैं या विवाह में या किसी कार्यक्रम में गए हो और उधर तकिया ना मिलने के कारण से कुछ गद्दे का तकिया बना के आपने रख लिया, या बड़े वाले जो टिकने वाले मोटे तकिया होते हैं वो रख लिए आपने, तो उससे भी ये गर्दन अकड़ जाया करती है। कई बार ये होता है कि आप तकिया बिल्कुल भी नहीं मिल पाता आपको, तो उस स्थिति में भी, या बहुत हार्ड हो वो तकिया, तो ये कारण भी इसका होता है गर्दन अकड़ जाने का। और दूसरा, सर्दियों में ठंडी हवा लगने से, बहुत अधिक जब ठंडी हवा लगती है तो उससे भी ये मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है। और एक कारण है इसका, बहुत अधिक बातज आहार सेवन करने से जब बाधी बढ़ जाया करती है तो उससे भी ये होता है। और एक छठवां जो मुख्य कारण है वो है गैस बनने के कारण से, जब आपको अत्यधिक कब्ज बहुत दिन तक बना रहे तो वो गैस जो बनती है, यानी गैस यानी कि हवा, वो हवा आपके अन्य अंगों में जाके स्थिर हो जाती है, जैसे गर्दन की नसें अकड़ जाना, मस्तिष्क में सिरदर्द तक होने लगता है गैस से, और अन्य अंगों में, हाथों में, यानी जितने भी दर्द होते हैं उनमें 90% केवल गैस के कारण से होते हैं। तो इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है और मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप उधर जाके देख लें कि आप पाचन शक्ति को कैसे मजबूत बनाएं, पाचन शक्ति को अच्छा रखने के लिए कौन कौन से प्रयास, क्योंकि इधर यदि बात करेंगे हम तो आज का मुख्य विषय हमारा छूट जाता है, तो इसलिए हम पाचन शक्ति बढ़ाने के विषय में कोई चर्चा इधर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको यदि देखना है तो आप आई बटन से जाके उधर वो वीडियो देख लें। तो सबसे पहला है तकिया, तो तकिया आपको इतना हिसाब पर रखना चाहिए जिस प्रकार की आपकी आदत हो, जितना पतला मोटा या जो भी आप रखते हैं उसी प्रकार का रखें, अचानक बदलाव करने से आपको गर्दन में दर्द हो सकता है, या कई बार जैसे बिना तकिया के जब आप सोते हैं तो कोशिश करें कहीं ना कहीं से उतना ही तकिया जितना आप रखते हैं उस प्रकार प्राप्त करके आप सोएं, ताकि आपको गर्दन में दर्द ना हो। एक कारण और होता है कि असमतल बिस्तर, यानी कि बिस्तर आपका सही ना होना, तो कई बार आते हैं मौके, मतलब शादी विवाह में कहीं भी आप जाते हैं तो उधर आपकी जो रूटीन या सोने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। और ठंडी हवा से बचने का मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि इस समय बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो उनसे भी आपको बचना चाहिए। और यदि आपको गैस बनती है तो उससे भी आपको पाचन शक्ति पे अपने ध्यान रखना चाहिए, सुपाच्य आहार लेना चाहिए ताकि आपको कब्ज ना होने पाए। और त्रिफला है, या थोड़ी एक दो चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, त्रिफला है, कुमारी आसव है, झंडू पंचाष्ट है, इस प्रकार की कोई पाचक औषधियाँ, हिंगाष्टक चूर्ण है या लवंग आदि, हिंगाष्टक और लवण भास्कर चूर्ण है, ये आप यदि अपने भोजन के उपरांत गर्म जल के साथ सेवन कर लेते हैं तो आपको कब्ज नहीं होने पाएगी। और इसमें सबसे अच्छी दवा आयुर्वेदिक दवा के बारे में यदि हम बात करें
एक सप्ताह तक आप योगराज गूगल की एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खा लें, तो आप इस दर्द से बच सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक कॉमिफ्लेम टेबलेट 3 दिन तक सुबह शाम एक एक गोली, वो भी दर्द निवारक होती है। तत्काल यदि आपको दर्द हो जाए तो वो खा लेनी चाहिए, उससे भी आपको आराम मिल जाता है। और बात चिंतामणि रस भी आप खा सकते हैं, इसमें एकांगी रस बहुत ही अच्छा काम करता है। योगराज गूगल के बाद यदि मतलब अलग से कोई औषधि लेने की ज़रूरत हो आपको, तो एकांगी रस है, महावाद विध्वंसक रस है, बहुत अच्छे अच्छे रसायन हैं आयुर्वेद में, बहुत शानदार अच्छे रसायन हैं जिनसे आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। 3 सावधानियाँ बहुत जरूरी है जिनको आप रखें। पहला कि सिर झुका कर लगातार यदि आप करने का आपका काम है, टेबल वर्क है, तो बीच बीच में थोड़ा सा आप उसको रिलैक्स करते रहें और गर्दन को हिलाते डुलाते रहें आगे पीछे थोड़ा सा। और दूसरा है मोबाइल देखने का जो तरीका है आपका पोस्चर, वो कई बार बहुत लोगों को गलत होता है। पलंग पर लेट जाते हैं और लेट के फिर इस प्रकार से देखा करते हैं, तो उससे भी दिक्कत होने लगती है धीरे धीरे करके। या आप गोदी में रख के मोबाइल नीचे और आप देखेंगे उस पर काम करेंगे तो आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। और इसके लिए आपको 45 इंच का कोण नहीं बनाना है, इस प्रकार का जो बनाते हैं आप, इससे बहुत ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती है। तो जब भी आप मोबाइल का प्रयोग करें तो सामने करके इस प्रकार से देखें, यदि अधिक काम करते हैं या देखते हैं आप तो सामने रख के करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बैठ के करें, लेट के मोबाइल का प्रयोग कभी भी ना करें। और वाहन यदि आप बहुत अधिक चलाते हैं तो उसके कारण से भी ये गर्दन का दर्द होता है, तो बहुत आवश्यक है कि आप यदि लंबी यात्रा पर हैं तो 2 व्हीलर से न जाके आरामदायक बस या 30 किलोमीटर से अधिक यदि आपको यात्रा करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेन या बस की मदद ले लें या कार की मदद लें, क्योंकि 2 व्हीलर अधिक चलाने से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर यदि चलाते हैं तो उससे भी स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती है। इसमें कई बार चक्कर आने लगते हैं, गर्दन अकड़ जाती है और दर्द गर्दन के बढ़ जाते हैं। इसकी उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह आपको एक गर्दन का एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये सुबह सुबह प्रतिदिन आप कर लें तो आपको ये गर्दन का दर्द कभी नहीं होगा। सबसे पहले इसका एक विशेष ध्यान रखना, जिनको भी गर्दन का दर्द होता है वो भूल कर भी गर्दन नीचे एक्सरसाइज में ना लाएं, मतलब इस तरीके से नहीं करना। यदि इस तरीके से आप करते हैं तो दर्द बढ़ जाएगा, और दर्द की स्थिति में एक्सरसाइज नहीं करनी। जब आप स्वस्थ हैं तब आप एक्सरसाइज करते रहें तो आपको ये गर्दन के दर्द नहीं होंगे। एक दाएं बाएं हो गया और एक पीछे इस प्रकार से, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक्सरसाइज है इसमें, थोड़ा सा आप अपने पंजे से आगे सिर करेंगे और सिर को पीछा करेंगे ताकि ये गर्दन की आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएं और रिलैक्स मतलब उनमें थोड़ा सा आराम मिले, वो लचीली हो जाएं मजबूत के साथ, अकड़न उनमें ना होने पाए। तो ये एक्सरसाइज करने से पेट में कब्ज किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 90% 90% जो बीमारी है सिर्फ वो कब्ज और गैस बनने के कारण से होती है। तो इसका आप सतत ध्यान रखें तो आप दर्द से बचे रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, थैंक्स करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों को शेयर करें, और सुपर थैंक यदि कर सकते हैं तो वो भी करें। इसमें सुपर थैंक की सुविधा है जिसमें 40, 200 रुपये और 1,000 रुपये का सुपर थैंक किया जा सकता है। बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, उसके बाद आप तक ये वीडियो लाता हूँ। तो यदि कुछ नहीं कर सकते तो लाइक तो कम से कम आपको कर ही देना चाहिए। आज आपसे लेता हूं विदा, नमस्कार।